बिना कोई ट्रेलर देखे मैं इस मूवी यानी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब मूवी को देखने बैठा। इसकी जो लेंथ है वो 1 घंटे 50 मिनट के आसपास है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। लेकिन अभी मत भाग जाना, पहले मेरी महान मान बातें सुन लेना कि कहानी क्या है, अच्छी है या बुरी है। पहले मेरी इतनी बकवास सुन के तो जाओ। तो जो इसके अंदर जो मेन 4 कलाकार है, वरुण शर्मा, जस्सी गिल, सनी सिंह, मनजोत सिंह, मतलब काफी बढ़िया है। मुझे इन 3-4 की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी है। जो इसकी कहानी जो हमें देखने को मिलने वाली है मूवी के अंदर, खन्ना जिसे प्ले किया वरुण शर्मा ने, उसका दिल टूट गया। आशिक है, मजनू है, बेचारा दिल टूटते रहते हैं। तो लेकिन इस कदर टूटा है, इसका ब्रेकअप इस कदर हुआ है कि ये सुसाइड करने की कगार पर है। लेकिन इसके जो 3 दोस्त हैं, अरोड़ा, जैन, हनी, जो इसको समझाते हैं, अरे पागल वागल हो गया क्या, लड़की के पीछे कौन जान देता है, चल उस लड़की के फेस पे जाके, मतलब फेस टू फेस जाके बोल आई एम ओवर यू, यानी भाड़ में जा, तेरा बहुत हो गया, मैं तेरे को भूल गया, इस कदर बोल उस लड़की को जाकर, जहां उस लड़की की शादी हो रही है। तो ये चारों प्लान बनाते हैं, हाँ चलते हैं भाई, उस लड़की के सामने जाके उसके मुंह पे बोलेंगे, उसको साफ बोलेंगे मैं तेरे को मैं भूल गया हूं, मैं मूव ऑन कर गया हूं, तू भाड़ में जा। और एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करते हैं जिसकी कोई एंड ही नहीं होती है, जिसका कोई सरपैरी नहीं होता है, लेकिन काफी ज्यादा फनी होती है। लेकिन इसकी इनकी जर्नी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो देखो इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकता। तो बात करें कि मूवी में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो सबसे पहले अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो इस मूवी के डायलॉग है वो काफी बढ़िया है, मूवी काफी ज्यादा फनी है, कई कई सीन तो इतने ज्यादा साथ हैं कि आप उनको बैक करके देखोगे, यार ये एक बार सीन फिर से देखें। ऑब्वियसली हमें इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो पीछे तो कितनी बार ही कर सकते हैं, तो जो एक अच्छी चीज लगी, क्योंकि थिएटर्स में वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। और जो चारों एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, उनके जो केमिस्ट्री है उनके बीच में वो काफी अच्छी लगी, उनके जो डायलॉग उनको दिए गए थे वो काफी अच्छे थे। और जो सनी सिंह है जिसने अरोड़ा का किरदार निभाया है, एक डिफरेंट एक अलग तरीके का रोल हमें देखने को मिला जो काफी ज्यादा मजेदार है। मूवी काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर, मतलब कलरफुल है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। और जहां तक मुझे लगता है जो इसके मेकर्स हैं उनका जो मेन मोटिव मेन फोकस था वो जनता को हंसाना ही था, और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर कामयाब हो पाते हैं। अब आप सोचोगे यार हर मूवी का मोटिव तो जनता को हंसाना ही, मतलब जो कॉमेडी वाली होती है उनका मोटिव तो यही होता है जनता को हंसाना। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा एक मतलब ड्रॉबैक है, उसकी हम बात करेंगे, जो इसकी कमियां है तो बात ही कर लेते हैं। जो इसमें ये तो मतलब अच्छी अच्छी चीजें हो गई, जो इसकी कमियां है तो जो इसकी स्टोरी है वो है ही नहीं समझ लो, क्योंकि बहुत सिली स्टोरी है। क्या चल रहा है, मतलब बिना सर पैर की चीजें चल रही है, बस आपको ठीक है उस जर्नी में चलना पड़ता है। आप एक बार देखने बैठ गए हो, चलो देख लेते हैं कि आगे मूवी में क्या होने वाला है, तो इस तरीके की फीलिंग होती है। तो स्टोरी तो यार आप इसके अंदर 0 एक्सेप्ट करना कि कुछ भी देखने को मिलेगा, कोई भी आपको बढ़िया स्टोरी देखने को नहीं। हाँ लेकिन उसके अंदर कॉमेडी जरूर है। इसके अलावा जो वरुण शर्मा का जो किरदार इस मूवी के अंदर है वह आपको सेम टू सेम जो फुकरे मूवी में उनका किरदार था वही नजर आएगा, कोई भी उसके अंदर फेरबदल नहीं गया, उस तरीके का वो भोंदूपन इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ नया तो करना चाहिए था, लेकिन बस वही आपने सेम चीज रिपीट कर दी, ये थोड़ा एक मुझे कमी लगी। इसके अलावा जो जस्सी गिल है मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों लिए गए हैं, जब उनको एक पुतले की तरीके से खड़ाई करना था तो इससे बेटर ये होता ना कि कोई पुतला ही सचमुच का लगा देते, क्योंकि कोई तो डायलॉग दिए नहीं गए, कोई उनका इम्पैक्ट नहीं है मूवी के अंदर, बस हाँ चल रहे हैं 4 दोस्तों के साथ। अरे 4 दोस्त लाने थे, क्या जरूरत था, 3 दोस्त कर देते ना, एक खर्चा बच जाता, क्योंकि उनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है मूवी के अंदर। मूवी काफी ज्यादा लाउड यानी कि चिल्ला चिल्ली है मूवी के अंदर, जो काफी ज्यादा इरिटेट करती है। मूवी की एंडिंग इतनी कुछ ज्यादा मुझे खास पसंद नहीं है। मूवी की जैसी स्टार्टिंग होती है तो एक लगता है कि यार एक फ्रेश स्टोरी हमारे सामने आएगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी में हम आगे बढ़ते हैं वो बोर करने लग जाती है। हाँ मूवी में कॉमेडी है, लेकिन आप लगभग 1 घंटा 50 मिनट यानी 2 घंटे के आसपास मूवी में बैठे हो तो वो इतनी भी कॉमेडी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वो हंसाती रही। कुछ कुछ सीन ऐसे आते हैं जो बोर करते हैं, लेकिन मेकर्स ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की है, इसकी लेंथ कम रखकर। जो एक बोरियत सी फीलिंग होती है, इसके कई कई सीन ऐसे होते हैं जिसमें बोरियत सी फील होती है, तो वो एक लेंथ कम होने के कारण वो फील नहीं होती है। अगर सॉन्ग्स की बात करूं तो हाँ मूवी के सॉन्ग्स ठीक ठाक हैं, कोई इतने बुरे नहीं है, मुझे अच्छे लगे। हाँ ओवरऑल अगर बात करें मूवी की तो 1 टाइम कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10। आप लोगों ने अगर मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो आप बेशक एक बार तो इस मूवी को देख ही सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।